कोई रोका कौन रोका? बस आपको सिर्फ कोई रास्ता ढूंढना था इस मुल्क में हिंदू सम्राट बनने के लिए, जो रास्ता आपके बंद होते चले गए। आपको मतलब एनआरसी और सीए से नहीं है। सीए में मुसलमान नहीं आता है मौलाना साहब गार्जन। 15 करोड़ घुमंतू जाति है गार्जन इस मुल्क में, नट भट बंजारा लोहारा 15 करोड़, और लगभग 8 करोड़ 36 लाख आदिवासी जिसके पास कोई कपड़ा कोई घर कपड़ा कहते कोई घर कागज और जमीन नहीं है। 30 करोड़ लोगों के पास इस मुल्क में घर नहीं है। 170 लाख लोगों के पास इस मुल्क में जमीन नहीं है। 73.2% लोगों के पास कोई कागज नहीं है। लगभग 94.3% लोगों का नाम दादा का नाम छठ दादा का नाम सही नहीं है। हर चीज दुर्गऊ नाम है, खनकी तो लिखा हुआ है खनकू। ये मनुवादी लोग जब इन लोगों का खनदान का नाम शुरू हुआ तो द्रोणाचार्य सुदर्शनाचार्य समझे कि नहीं भाई, द्रोणाचार्य सुदर्शनाचार्य। जब पप्पू यादव पप्पू सिंह के खनदान का नाम का आया राजा महाराजा जंग बहादुर वीर बहादुर। जब आदिवासी और दलित के नाम का बारी आया बुधनी सुधनी कुछनी। बोलिए ना कोई कागज है क्या हुआ? सब डूब गया, चला गया, डूब गया। एक बात कहो, कुछ यजीद लोग होता है यजीद लोग, कुछ यजीद लोग जाएगा दस्तक पुस्तक कराने, दस्तक पुस्तक मत करिएगा तो लोग कागज कागज मत दे दीजिएगा यजीद सर। मोदी जी ने समझ गए ना, आप हजरत हुसैन के वारिस हैं। ये जोगी कहता है कि हम खून का आंसू बहाएंगे, मदरसे में ढूंढ करके 11 बच्चों के साथ बलात्कार हुआ, आज तक कोई बोलने वाला नहीं पैदा हुआ, क्यों? मैं जानना चाहता हूं पत्रकार जी, क्या जोगी को जीने का राइट है? बिल्कुल नहीं। क्या जोगी कहता है कि मैं बदला लूंगा? एक संविधान का आदमी कहेगा बदला लेंगे? आप आरएसएस का वर्दी पहना करके जिस दिन हम 9:30 बजे हमारी एक बेटी ने फोन किया हमको हमारे घर में कि भैया मेरे भाई को बचा लीजिए, गोली चल रही है, जालियांवाला बाग खुले छूट दिया था भागने की, तब गोली चला, जामिया में ताला लगाकर। शाहीन बाग जब हम पहले दिन गए, एक बच्ची ने पूछा मुझसे कि अंकल जब हम एसपी दे के उतर रहे थे, 13 साल की बच्ची रोने लगी, उठ के आई बोला अंकल क्या मैं अपनों से बिछड़ जाऊंगा? ये सवाल पूछिए पप्पू यादव पर क्या बीता होगा। जब आज से 9 दिन पहले शाहीन बाग गए, वो 3 बूढ़ी माँ आई मेरे पास 80 साल 85 साल की, मुझसे कुछ नहीं पूछा, मुझसे सिर्फ इतना पूछा बेटा कम से कम हम लोग अब तुम दोनों से अलग होना नहीं चाहते, इससे अलग मत करो, नहीं रहता है। एनडीटीवी पर आपने उसको देखा हो। मेरे सामने 9:30 बजे जब गोली चलने लगी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, हम पुलिस हेडक्वार्टर के